हेलो पेरेंट्स, आई होप ऑल आर सेफ एट योर होम। आज मैं आपके सामने यूकेजी क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके बच्चे इससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें वोवल्स एंड कंसोनेंट्स। तो आप बच्चों को इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करके आप एक तरफ वॉवल्स लिखिए और दूसरी तरफ कंसोनेंट्स लिखिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ये समझ आएगा कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे वो टोटल 26 होते हैं और उन्हीं टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स में से ही हमारे वॉवल्स बनते हैं। 5 हमारे वॉवल्स हैं और 21 जो हैं कंसोनेंट्स हैं। तो बच्चे को क्या होगा कि अब जैसे पहले LKG में वो पढ़ते थे इस चीज़ के बारे में भी, पर अभी थोड़ा थोड़ा वो भूल गए होंगे क्योंकि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो UKG क्लास वाले बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे, तो आप उनको रिमाइंड कराने के लिए इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करके समझा सकते हैं। और जब उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी, वॉवल्स और कंसोनेंट्स में डिफरेंट समझ में आ जाएगा, तो उसको फिर एक ये एक्टिविटी दीजिएगा, मैंने इस तरह से बनाई है, क्रॉस द वॉवल्स AEIOU। तो इसमें क्या करना है बच्चे को, सिर्फ वॉवल्स को क्रॉस करना है। तो जैसे ये वॉवल है, इसको क्रॉस कर दिया, फिर ये वॉवल है, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया और एक इसको क्रॉस कर दिया। तो इस तरीके से भी वो अब वॉवल और कंसोनेंट समझ चुका है। तो उसके बाद आप इस तरह की एक्टिविटी दीजिए जिससे कि वो कन्फ्यूज ना रहे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसमें क्रॉस द कंसोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से हमें एग्जांपल देके समझा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कंसोनेंट्स को वो क्रॉस करेगा क्योंकि वो वॉवल्स और कंसोनेंट्स समझ चुका है। तो आप इस तरीके से उसको ये एक्टिविटी करा सकते हैं, जितने भी कंसोनेंट्स होंगे उनको वो क्रॉस कर देगा। ये एक्स हो गया और ये पी हो गया, बाकी जो बचेंगे उनको वो इस तरीके से छोड़ देगा। तो अगर इस तरह से वो करना सीख जाता है तो दैट मीन्स वो जान गया है कि वॉवल्स और कंसोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद आप उनको ये एक्टिविटी दीजिए करने के लिए, राइट द मिसिंग लेटर ए। क्योंकि आप क्या करेंगे, पहले उनको सेम वर्ड्स जैसे देंगे, मतलब डैश जो बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, इस डैश में वो सिर्फ सेम लेटर फिल करेगा, जैसे BAT बैट, GAP गैप, FAN फैन, BAT बैट। तो सब में क्या लेटर आएगा, ए लेटर आएगा, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। आप उसको इस तरीके से दीजिए पहले स्टार्टिंग में, तो वो इस तरीके से फिल करना सीख जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें राइट द मिसिंग लेटर ई। जब वो ए वाले आप दोगे, एक दिन आप ए वाले दीजिए, नेक्स्ट डे आप उसको ई वाले दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो फिर ई वाला फिल करेगा। इस तरह से क्या होता है कि ए और ई जो मैंने जो फिल करा है, आप इस तरीके से 5 वॉवल्स का यूज़ करके अलग अलग मिसिंग लेटर्स उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स विथ AEIOU। अब मैंने क्या किया है, इसमें मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को हमने ये तो सिखा दिया कि ए फिल होगा, बीच में ए फिल हो सकता है, ई फिल हो सकता है, आई फिल हो सकता है, बट अब वो खुद डिसाइड करेगा यहाँ पर क्या आना चाहिए। अगर उसने वो चीज़ें लर्न कर ली हैं, वर्ड्स उसने लर्न कर लिए हैं, तो वो उसी के हिसाब से उनको करेगा। बच्चा कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लर्न करा हुआ ही करता है, वो कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई और वॉवल भी सूट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे HOT, यहाँ पे हॉट भी बन सकता है तो ओ का यूज़ हो गया। अगर HUT, अगर हम यहाँ पे UT भरते हैं तो भी हमारा वर्ड बन रहा है, यानी हट बन रहा है, और ए फिल करते हैं तो भी हमारा बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ एक ही वर्ड को ही सीख रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरह के वर्ड लिखे हैं जिसमें बच्चा
ए ई आई ओ यू में से कुछ भी फिल करेगा, या मतलब वो कोशिश करेगा कि ये नहीं मैं कुछ और वर्ड लिखता हूँ, तो इस तरह से क्या होता है कि उसे ये भी समझ में आएगा कि पांच वॉवल हैं तो उन पांचों में से कुछ भी हम जैसे वर्ड मतलब लेटर लिखते हैं तो अलग अलग वर्ड बनता है। जैसे यहाँ पे हॉट लिखा तो गर्म हो गया हॉट मीन्स, अगर हट लिख रहे हैं तो हट मीन्स झोंपड़ी हो गई, और हैट हो गया तो टोपी हो गई। तो ये भी आप उसको अलग अलग करके बता सकते हैं, या फिर वो बच्चे को पहले आप देखें कि वो क्या लिख रहा है। आपने तो उसे कुछ और सिखाया होगा, मान लीजिए आपने उसको एच यू टी हट करके दिया, बट जब यहाँ पे करेगा तो हो सकता है वो ए लिखे, हो सकता है वो यू लिखे, तो वो चीज़ आपको देनी है। तो मिक्स करने का ये बेनिफिट होता है कि उसको जब वो सीखता है ना तो उसके मन से खुद ही नए वर्ड निकल कर आते हैं। जैसे यहाँ पर एम ए एन भी लिख सकते हैं, एम ई एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी ए एन पी ई एन, तो दो दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को कराइए। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसमें फोनिक साउंड। मैंने इसमें क्या किया है, फोनिक साउंड का मतलब पहले आपको बता देती हूँ। फोनिक साउंड का मतलब क्या है कि जैसे जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं उनकी जो साउंड निकलती है, जैसे बैट टो की आवाज़ आ रही है, कैट टो की आवाज़ आ रही है, तो इस तरह से उन्हें हम फोनिक साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड का यूज़ किया है। तो जैसे यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, पहले उसको रीड करेगा, बी लिखा है, और उसको आप बताइए कि यहाँ पर उसको ऐड फिल करना है। तो यहाँ पर वो ऐड फिल करेगा और फिर उसको रीड करना बताइए कि बी ए टी बैट, आर ए टी रैट। तो वो टो जो वर्ड निकल रहा है ना, जो साउंड आ रही है उसकी, तो उससे बच्चे को पढ़ने में आसानी होती है। अगर फोनिक साउंड बच्चा सीख जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब इजी वे में वो समझेगा उस चीज़ को, और आगे चल के उसे रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप ऐड की करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओ टी की भी लिखी है, जैसे ओ टी लिखेंगे यहाँ पे एच ओ टी यानी हॉट, तो यहाँ पर हो गया सी ओ टी कॉट, जी ओ टी गॉट, एन ओ टी नॉट। तो आप पहले ट की साउंड दे सकते हैं, फिर जैसे यहाँ पे मैंने ई टी भी लिखा हुआ है, ई टी से आप निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो एन ई टी नैट, एस ई टी सेट, जी ई टी गैट, जे ई टी जेट। तो इस तरीके से आप उनको बोलना बताइए कि एट ऑट और एट, तो ये उसको बुलवाइए। अगर आप उसको बुलवाएंगे तो वो रीडिंग करना सीख जाएगा। आप उसको इस तरीके से डेली आप इन्हीं वर्ड्स को रिवाइज कराइए कि आप ये वाला बोलो, पहले लाइन से बुलवाइए फिर मिक्सअप बुलवाइए, तब वो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसमें सर्कल द वॉवल्स फ्रॉम द लेटर्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है मैंने अलग अलग पिक्चर्स भी ड्रॉ कर दिए उनके सामने, जिससे कि बच्चे को आइडेंटिफाई भी हो कि क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस यू एन सन, तो यहाँ पे वॉवल उसे लर्न हो चुके हैं, तो वो वॉवल को सर्च करके उसको सर्कल करेगा। जैसे जे यू जी जग, यहाँ पे वॉवल को सर्च करेगा, फिर यहाँ पे सर्च करेगा। अब यहाँ पे ई भी है वॉवल और एक ए है, एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल लेटर बनाया है मैंने, आप उसको पहले स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हाउस, हाउस में भी वॉवल है ओ यू ई। इस तरीके से वो वर्ड में से भी वॉवल सर्च करना सीख जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसमें स्पीक एंड फाइंड द ऑड वर्ड एंड सर्कल इट। पहले बच्चे को रीडिंग कराइए इस तरीके से, जैसे कॉट सी ओ डब्ल्यू काउ, गॉट हॉट। तो जब आपने मैंने अभी जो इससे पहले वाली एक्टिविटी दी थी उसके थ्रू वो सीख ही चुका होगा कि ट की साउंड आ रही है और ओ टी है, तो उसे पहले उसको ये चीज़ समझाइए कि ओ टी आ रहा है जिनके पीछे, तो वो कॉमन वर्ड हो गए हमारे, तो ऑड वन कौन सा कहलाएगा हमारा सी ओ डब्ल्यू, यहाँ पर बिल्कुल साउंड अलग आ रही है क्योंकि काओ हो गया ये, तो इसको वो सर्कल करेगा।
तो इस तरीके से भी हम बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। मैंने इसमें अलग अलग लिख दिए हैं, आप चाहे इसमें से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे SOYTOYBOY, फिर मैंने यहाँ पे FOG, तो क्या ये सॉय टॉय बॉय, और यहाँ पर हो गया FOG फॉग, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। तो ये एक्टिविटी भी बहुत काम आती है बच्चों को फोनिक साउंड सिखाने में भी, और इससे भी वो बहुत आसानी से सीख पाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है जॉइन द लेटर्स। यहाँ पे मैंने एक लीफ बनाई है, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लेटर लिख दिया है जो कॉमन लेटर है सभी वर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे बी, यहाँ पे दूर लिखा है थोड़ा ए, फिर टी। तो बच्चे को बोलिए आप इसको जॉइन करके लिखें, तो यहाँ पर वो बच्चा फिर बी ए टी इस तरीके से स्पेलिंग लिखेगा। तो यहाँ पर BUT बट BUN बन इस तरीके से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को वर्ड सिखाने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसमें मैच द वर्ड्स विद देयर पिक्चर्स। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं और इधर की तरफ उन्हीं के सामने उसके वर्ड्स लिख दिए हैं, तो बच्चा इजीली जो पिक्चर होगी उसको तो आइडेंटिफाई कर ही लेगा। तो आप उसको थोड़ा बोल कर बताएंगे कि जैसे ये पिक्चर किस चीज़ की है, बी की ड्रॉ की है, तो बी बी तो बी बोलेगा, और यहाँ पे सबसे पहले बी वर्ड सर्च करेगा, बी लेटर सर्च करेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी, तो फिर उसके हिसाब से उसको मैच कर देगा। तो ये वाली एक्टिविटी भी बच्चों को, बच्चे वैसे ये वाली एक्टिविटी काफ़ी स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं कि यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है और साइड में वर्ड दिए हैं, तो उन्हें मैच करना है। यहाँ पर जैसे एप्पल है तो एप्पल को मैच कर देगा। इसमें मैंने ये जो दो लेटर लिखे हैं ना, ट्री और थ्री, जैसे ट्री जो है, ट्री और थ्री की साउंड बिल्कुल लगभग सेम आ रही है, तो बच्चे इसमें बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स भी आप दीजिए जिससे कि उनकी कंफ्यूजन जो है वो जल्दी से ख़त्म हो सके। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है यूज़ ऑफ AE। कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन वर्ड आता है, जैसे मैंने यहाँ पिक्चर बनाई हुई है प्लेट की, तो यहाँ पे मैंने डैश बनाए हैं। सिर्फ कॉमन वर्ड को ही आप ऐसी कोशिश कीजिए कि जो डैश बनाएंगे आप बिल्कुल सेम AE वाले ही डैश फिल हों उसमें। जैसे प्लेट, तो यहाँ पे A लिखेगा और यहाँ पे E लिखेगा, तो प्लेट। फिर यहाँ पे जैसे मैंने केक की पिक्चर बनाई है तो A लिखेगा, E लिखेगा, तो इससे भी बच्चे जल्दी सीखते हैं। AE वाले जो वर्ड्स होंगे उनको कैच करेंगे। यहाँ पे मैंने गेट बनाया है तो AE गेट, यहाँ पेज बनाया है पेज PAGE पेज। तो ये एक्टिविटी यूज़ ऑफ AE सिखाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है इसमें यूज़ ऑफ IE। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर IE वाले वर्ड्स बनाए हैं और उन्हीं की पिक्चर्स ड्रॉ करी है। जैसे यहाँ पे लाइन बनाई है मैंने, तो यहाँ पे बच्चे को IE फिल करना है लाइन। यहाँ पे नाइफ बनाया है, यहाँ पे भी IE और E फिल करना है। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे को जब हम कॉमन चीज़ें देते हैं ना रिपीट कर करके, तो वो ऑटोमेटिक उनको लर्न हो जाती है। मेन बात ये है कि उन्हें लर्न हो जाती है। अगर आप उसी चीज़ को रिपीट कर करके दोगे तो बच्चा आसानी से याद कर लेगा। तो यहाँ पे आई आई ई, तो आप इस तरीके से पिक्चर्स भी दे सकते हैं, और आप सीधे लेटर लेकर, लेटर लिखा, वर्ड बनाया और ऐसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें यूज़ ऑफ OE। सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर भी। मैंने एक पिक्चर बनाई है नोज़ की, तो OE फिल करेगा बच्चा OE, और यहाँ पे मैंने एक रोज़ बनाया है ROSE। तो ये वाली एक्टिविटी भी आप ज़रूर कराएं उनको। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसमें मिक्स वर्ड्स। जैसे कि अभी मैंने सारे बताए थे आपको, AE OE इस तरह से मैंने बताए थे, तो अब इसमें क्या होगा, मैंने मिक्स वर्ड लिखे हैं, कहीं पे AE फिल करना है उसको, कहीं पे IE फिल करना है और कहीं पे OE फिल करना है। तो इस तरह की मिक्स लेटर्स भी आप फिर उसको दे सकते हैं जिससे कि बच्चा जो है वो इनमें अंतर करना सीख पाए।
तो जैसे यहाँ पे केक, तो यहाँ पे ए ई फिल हो जाएगा, यहाँ पे आई ई फिल हो जाएगा, यहाँ पे ओ ई स्टोन राइस। तो इस तरह की एक्टिविटी आप उनको दीजिए। उसके बाद आता है राइट द जंबल वर्ड्स। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्पेलिंग को ना पूरा उल्टा कर दिया है और जो जो वर्ड स्टार्टिंग में आएगा उसको मैंने कैपिटल लिख दिया। इससे क्या होता है, बच्चा इजीली समझ पाता है कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो आप स्टार्टिंग में ऐसे दीजिए, बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये लेटर्स को बीच बीच में से भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या किया है, एल डबल ई एच डब्ल्यू। अब इसको बच्चा यहीं से शुरू करेगा, पहले डब्ल्यू लिखेगा फिर एच लिखेगा, इसी को देखता हुआ जाएगा ई ई और एल। तो क्या हुआ, उसने यहाँ से देख देख कर इस तरीके से करना शुरू कर दिया। तो आप पहले स्टार्टिंग में इजी वे में उसको एक्टिविटी करने के लिए दीजिए और बाद में आप उसको थोड़ा मतलब मिक्सअप दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसा ही इजी वाला वे में दीजिएगा उसको, जैसे यहाँ पे टी, पहले टी लिखेगा फिर आर लिखेगा फिर ई फिर पी। तो ये क्या है, बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा दिया है मैंने। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी आती है इसमें, कंप्लीट द वर्ड्स। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जैसे कि अभी वो बच्चा सीख ही रहा है ए ई आई ओ यू फिल करना, तो यहाँ पर भी मैंने उसमें डैश बना दिया है। तो डैश में वो यहाँ पे मून देखकर पिक्चर को फिल करेगा, यहाँ पे फ्रॉक की पिक्चर बनाई है तो वो यहाँ पे फ्रॉक फिल कर देगा, ये एप्पल की पिक्चर है यहाँ पी फिल कर देगा और यहाँ पे ई फिल कर देगा। तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया इसमें और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इन एक्टिविटीज़ को अगर आप शुरुआत से सिस्टम वाइज कराएंगे तो बहुत कुछ सीख पाएगा। और अगर इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।